अब बेटा हमारा क्वेश्चन 14 है, यहाँ दिया गया है ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल्स एट एनी स्टैंड इज 60 डिग्री आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. मतलब यहाँ बेटा बात कर रहा है कि एक गर्ल है, एक गर्ल है यहाँ पे फिगर में बेटा हमें दिया गया है, यहाँ पे 1.2 मीटर की एक लड़की है यहाँ से यहाँ था, वो किसी क्या कहते हैं इस पॉइंट से अपने आईज से मतलब उसकी आंखें यहाँ पे होगी, यहाँ से वो किसी दो बैलून को देख रही है, एक जो देख रही है वो 30 डिग्री का क्या कहते हैं एंगल बना रहा है, जो दूसरा है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो वो बोल रही कि क्या कहते हैं कुछ टाइम बाद मतलब जब बैलून यहाँ से यहाँ मूव कर जाता है तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या है वही पूछा, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाई द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, मतलब यहाँ से यहाँ तक बैलून को जाने में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पे बेटा और इसकी जो हाइट दी गई है हमें मतलब बैलून की हाइट जो दी गई है कि कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है बैलून वो है तो वो 88.2 मीटर पे है, 88.2 मीटर पे है, तो हमें ग्राउंड से क्या कहते हैं बेटा इसको निकालना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ये हमारा 30 डिग्री का एंगल बना और ये 60 डिग्री का, और जो लड़की की हाइट है वो 1.2 मीटर है यहाँ पे हमें, तो पहले हम क्या कहते हैं बेटा अगर हम यहाँ से यहाँ पे पहले हम इसका नाम करेंगे, ये हमारा ए पॉइंट हो जाएगा, ये बी सी पॉइंट डी पॉइंट एंड ई पॉइंट, अगर ये बेटा हो क्या कहते हैं ये बैलून यहाँ से यहाँ तक जितना जाएगा इसको हम डी मान लेते हैं डी, और फिर अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी डी है बेटा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी तो हमारी डी होगी, ये भी हमारी डी होगी, और अगर ये क्या कहते हैं 88.2 मीटर है तो ये भी हमारा 88.2 मीटर ही होगा सेम होगा, तो यहाँ पे हमें कैसे निकालेंगे बेटा, तो ये बेटा हमारा जो क्या कहते हैं 88.2 मीटर ये दी गई है ये यहाँ से लेके ये टोटल यहाँ से मतलब जो लड़की की हाइट है उसको मिला के है बेटा, तो अगर हम क्या कहते हैं यहाँ से सिर्फ यहाँ से डी से ई की दूरी निकालें तो क्या हो जाएगा हमारा डी से ई तक की दूरी 88.2 माइनस 1.2 कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा 0.87, मतलब यहाँ से डी से ई की दूरी जो आएगी डी से ई की जो दूरी आएगी बेटा वो क्या मिलेगा 87 मीटर मिल जाएगी हमें 87 मीटर मिल जाएगी। अब हम इसको निकालेंगे कैसे, हम पहले बेटा बात करते हैं कि क्या कहते हैं इन ट्रायंगल ईडी मतलब हमारा क्या हो जाएगा ईडी इक्वल टू एसी इक्वल हो जाएंगे हमारा जो ईडी है ये एसी के इक्वल है और इसकी हाइट क्या दी गई है 87 मीटर, क्योंकि ये जो 88.2 मीटर था बेटा ये टोटल हाइट थी मतलब ग्राउंड से उस लड़की की हाइट और ये जो क्या कहते हैं बैलून जहाँ पे उड़ रहा था वहाँ तक की हाइट थी, तब यहाँ से डी से ई की पॉइंट क्या कहते हैं 87 मीटर है तो ए से सी की भी हाइट 87 मीटर होगी, तो हम करेंगे इन ट्रायंगल ए सी बी की बात करेंगे तो लिखेंगे इन ट्रायंगल वन मिनट बेटा इन ट्रायंगल क्या कहते हैं ए सी बी, तो अगर हम एसी की बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा टेन 60 डिग्री, क्योंकि ये हमारा 60 डिग्री है इसके लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा बेटा एसी हो जाएगा और बेस क्या होगा इसके लिए बीसी हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन 60 की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट 3 और एसी हमारा कितना है बेटा 87 मीटर अपॉन बीसी कितना है बीसी हमें दिया गया है क्या कहते हैं बेटा इसकी वैल्यू हमें नहीं पता यहाँ से यहाँ तक की इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे बीसी, तो यहाँ से अगर हम बीसी निकाल लें बेटा हमें क्या मिल जाएगा बीसी इक्वल टू मिल जाएगा अंडर रूट 7 अपॉन अंडर रूट 3, ये हमारा अंडर रूट 3 हो गया, तो अब यहाँ से बेटा अगर हम सेकेंड वाले ट्रायंगल की बात करेंगे ट्रायंगल हमने 60 की बात की अब ट्रायंगल 30 के लिए हम देखेंगे लिखेंगे इन ट्रायंगल कहाँ से यहाँ से ई डी बी की बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा टेन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बेटा ई डी अपान बेस क्या होगा टोटल हो जाएगा मतलब बी से डी तक बी डी तो यहाँ पे टेन क्या कहते हैं 30 की वैल्यू क्या होती है
टेन थर्टी की वैल्यू होती है वन अपॉन अंडर रूट थ्री, और फिर क्या कहते हैं हमारा बी डी ई डी कितना है, ई डी हमें दिया गया है 87 मीटर, अपॉन बी डी हमारा क्या हो जाएगा, मतलब बी से डी तक हमारा क्या हो जाएगा, बी सी प्लस डी हो जाएगा, क्योंकि बेटा हमारा बी से सी तक टोटल हाइट है, मतलब डिस्टेंस है इसकी। तो अगर हम क्या कहते हैं इन दोनों को ऐड कर दें, बी सी और प्लस सी डी को ऐड कर दें, और सी डी की डिस्टेंस हमने डी ले लिया है, तो बी सी प्लस डी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी प्लस डी इजकल टू 87 अंडर रूट थ्री आ गया। अब यहाँ से बेटा हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे डी की वैल्यू पुट कर दें, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। अगर हम यहाँ से बी सी की वैल्यू हमें पहले यहाँ पे मिली थी इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था। इक्वेशन फर्स्ट में हमें क्या मिला था, बी सी की वैल्यू मिली थी। अब हम बी सी की वैल्यू के क्या कहते हैं इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे, तो बी सी की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 87 अपॉन अंडर रूट थ्री प्लस डी इजकल टू 87 अंडर रूट थ्री। अब यहाँ से हम डी इजकल टू क्या कर सकते हैं, 87 अंडर रूट थ्री, और ये हमारा प्लस में है, इधर आएगा तो हमारा बेटा माइनस 87 अपॉन अंडर रूट थ्री हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यहाँ से डी से अगर हम डी इजकल टू यहाँ क्या कहते हैं एलसीएम ले लें, क्या मिल जाएगा अंडर रूट थ्री, तो यहाँ हो जाएगा 87 इंटू थ्री माइनस 87, क्योंकि यहाँ पे हमारा बेटा अंडर रूट थ्री से जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ अंडर रूट थ्री आएगा, अंडर रूट थ्री से थ्री हो जाएगा और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 87 बचेगा। तब यहाँ पे देखो बेटा हमारा डी हो गया, फिर हम क्या करेंगे 87 कॉमन ले लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा 3 - 1 अपॉन अंडर रूट थ्री, तो डी इजकल टू क्या हो जाएगा 87 इंटू 2 अपॉन अंडर रूट थ्री। अब डी इजकल टू क्या हो जाएगा 87 में हम क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा 174 अपॉन अंडर रूट थ्री। अब इसको हम इरेशनलाइज करेंगे बेटा, इरेशनलाइज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे डी इजकल टू 174 अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री अंडर रूट थ्री। इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, एक मिनट हम सेकेंड पेज लेते हैं, इरेशनलाइज करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, आ जाएगा बेटा डी इजकल टू 174 अंडर रूट थ्री अपान थ्री आ जाएगा, क्योंकि नीचे अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री है बेटा, तो यहाँ हमारा थ्री आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा डी इजकल टू, इसे हम डिवाइड करेंगे तो थ्री फाइव जा 15 और 3 8 जा 24, तो यहाँ हमारा 58 अंडर रूट थ्री, ये मीटर में बेटा। तो हमें क्या कहते हैं दोनों के बीच की जो शिप की डिस्टेंस थी, मतलब बैलून के बीच का जो डिस्टेंस था, मतलब जब बैलून पहले 60 डिग्री से जब थोड़ा मूव किया 30 डिग्री के लिए, तो कितनी उसके बीच की डिस्टेंस क्या है, 58 अंडर रूट थ्री मीटर, यही आंसर है उसका बेटा।